बर्गरों के इलाके में एक बन कबाब वाला फेमस है, यानी कि बर्गरों के बीच में बन कबाब फेमस है। मैं पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त फोर्ट बेसन पे टिपू बन कबाब। लोंडो को बहुत कम पता है कि ये जगह जो मशहूर हुई थी वो बन कबाब की वजह से मशहूर हुई थी। तो मैं इधर आया हूँ यहाँ का आइकॉनिक बन कबाब खाने। दो तरह के बन कबाब आ चुके हैं, ये दाल अंडे वाला यानी कि बिल्कुल बेसिक बन कबाब, ये दाल अंडे अंडा फेटा हुआ और चीज, ये इनका स्पेशल बन कबाब है। एक बात जो मुझे टीपू की अच्छी लगती है ना, बार बार चटनी लेने नहीं जाना, बोतल पूरी पड़ी हुई है उल्टी करते रहो। इनका जो बन कबाब होता है ना, उसका जो बन होता है ये सेकते कम है, ये इसको फूला फूला रखते हैं। और जगह के बन कबाब थोड़े से दबे हुए होते हैं, ये फूला फूला नहीं होता, इसका थोड़ा बर्गर वाला फील ज्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला फीडबैक आपके जहन में आता है ना, एक्सट्रीमली फ्रेश, आपको फ्रेशनेस फील होती, बन बहुत ताजा, अच्छा ऑयल यूज हुआ हुआ, कोई स्मेल नहीं। टेस्ट सब्जेक्टिव है, मुझे इसका टेस्ट पसंद आता है, कोई यूनिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मगर मजेदार है। मैं हमेशा से इनका सादा खाता हूँ, आज आप लोगों का रिव्यू करने के लिए अंडा और चीज वाला भी मंगाया है, जो कि मैंने खुद कभी पहले खाया नहीं है। इसमें कबाब, कोल्सलो और उसके ऊपर एक फ्राई अंडा और एक पीस चीज है। सेम बन कबाब है, चीज ने जरा सा फ्लेवर एनहांस किया है। जो लोग चीजी सॉसी इसके दीवाने हैं ना, उनको अच्छा लगेगा, मुझे नहीं समझ आया, मेरे लिए सादा वाला सही है। हम खाते हैं बन कबाब चटनी के साथ, और चीज और चटनी का कोई मैच ही नहीं बनता। कि अगर आप बर्गरों के इलाके में यानी कि डिफेंस क्लिप्टर में रहते हो और आपको अच्छा साफ सुथरा डिसेंट बन कबाब खाना है, तो आपने टीपू आना है। अच्छी चटनी, अच्छा बन, अच्छा कबाब। कबाब और जगहों से थोड़ा सा महंगा है, सादा वाला 120 का है और चीज अंडे के साथ 170 का है। Oh, oh, oh.